रोहित शर्मा की चोट पर आया बड़ा अपडेट। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शुक्रवार के दिन अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके चोटिल होने की खबर सामने आई तो क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा। आशंका होने लगी कि रोहित चोट के कारण अब बांग्लादेश के खिलाफ होने जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब उनकी चोट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि रोहित बतौर कप्तान 3 नवंबर से शुरू हो रहे सीरीज के पहले मैच का हिस्सा रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मीडिया मैनेजर की टीम की तरफ से जारी बयान में कहा है, नेट में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के पेट के बाएं हिस्से में गेंद लगी थी। BCCI की मेडिकल टीम उनकी चोट की जांच करने के बाद पुष्टि करती है कि वह पहले T20 के लिए फिट है और उपलब्ध है। बता दें कि अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी बाईं जांघ को घायल कर लिया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज को अभ्यास सत्र बीच में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित ने चोट का सामना तब तक किया जब वह नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक गेंद ने उनको घायल कर दिया। पंत दिखे प्रैक्टिस करते। मैच प्रैक्टिस के दौरान संजू सैमसन, जिन्हें भारत के सीमित ओवरों के लिए शामिल किया गया था, दूसरों के साथ अभ्यास करते हुए देखा गया, जबकि ऋषभ पंत ने स्टंप के पीछे कुछ ज्यादा समय बिताया। शिवम दुबे, जिनके पास दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ श्रृंखला में भारत ए के लिए शानदार प्रदर्शन था, वह भी मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ समय बिताते हुए नजर आए। अजीत अगरकर के नाम है ऐसा रिकॉर्ड जो कोहली और रोहित जैसे बल्लेबाज भी नहीं तोड़ सके। बता दें कि रोहित को T20 सीरीज की कप्तानी मिली है। विराट कोहली को इस सीरीज में आराम दिया गया है। तीन T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत में 3 नवंबर को होगी, जिसकी कमान रोहित के हाथ होगी। रोहित का बल्ला इस साल आग उगल रहा है। उनकी मौजूदगी में बांग्लादेश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। रोहित ने हाल ही में विंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के दौरान 2 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ा था। क्या रोहित शर्मा इस बार भी सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।